हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज आया हूँ गया जिले के बेलाडीह गांव में। यहाँ एक बगीचा है जहाँ हम लोग बैठकर अक्सर नाश्ता पानी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि बगीचा जिसने लगाया वो भी सामने ही है, और बगीचे का फल हम लोग खा रहे हैं। ये देखिए, हमारे सामने जो दो व्यक्ति, एक माता जी दिखाई पड़ रही हैं, ये वास्तव में किसान हैं जिन्होंने बगीचा लगाया है, और इनकी दया कहिए, कृपा कहिए, कि आप दूर दूर तक देखिए हाईवे पर पेड़ नहीं है जहाँ ये बगीचा, जबकि इन्होंने अपने परिश्रम से लगाया है। आज के डेट में लोग बगीचा लगाते नहीं हैं, इनसे एक सीखने को मिल सकता है कि बगीचा लगाइए, अवश्य लगाइए। यदि आपके पास ज़मीन है तो अवश्य लगाइए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसका फल वो नहीं खाता है, उसका दूसरा तीसरा जनरेशन खाता है। तो आप ये सोच के पौधा नहीं लगाइए कि हमें को फल मिलेगा, आप ये सोच के पौधा लगाइए कि आप भी जो फसल खा रहे हैं कि वो किसी और का लगाया हुआ है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपने पीछे कुछ ऐसा पौधा, पेड़ पौधा या ये छोड़ के जाएँ जो कि आने वाले वंशज को काम आए, लोगों को काम आए। तो आज हम लोग जैसे कि उस चीज़ को अघोरी में जैसे कि देख रेख कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कि कोई भी यात्री का जाता है तो अपना उठाता है, गिरता है तो खाता है, अपना रास्ता में कोई भी जाता है तो खाता है आदमी गिरने के बाद। देखिए, यही किसान है, वो दिलदार किसान जिन्होंने ये पौधा लगाया है, सर पूरा जिंदगी गुजार दिया है। हाँ, बाबा की तो सब गुजर गए थे, लगाते बाल बच्चा सब खाए थे। नहीं, कुछ तो छाया तो ले यूज कर ही रहे ना। अब इस पेड़ के नीचे जो हवा हमको मिल रही है, शुद्ध हवा, कि हम लोग को भी इच्छा हुआ कि यहाँ बैठ के थोड़ा देर हम लोग नाश्ता पानी करें। तो ये है हमारे भाई साहब, आप पहले भी देखे होंगे, और आमतौर पर ये जहाँ तहाँ तो बैठते नहीं है, लेकिन यहाँ इस मोहल्ले का, इस पौधे का रौनक कुछ ऐसा है कि इस बगीचे को देखने के बाद इन्होंने कहा कि यहीं बैठ के खाएंगे। अनायास यह स्थान खींच लेता है, अनायास यह स्थान खींच लेता है। दोस्तों दोस्तों फिर से सुनिए, अनायास यह स्थान खींच, बरबसी लोगों को खींच लेता है। देखिए देखिए कितना अंदर से बात ये निकली है। कहिए सुरेश जी, यह है सुरेश जी जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आपको कैसा लगा बगीचा? अच्छा लगा बगीचा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। लोगों को क्या सलाह दीजिएगा आप? सलाह दें कि सही पेड़ लगाएं। ऐसे ही पेड़ लगाएं। सही पेड़ लगाएं। अब ये देखिए, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, ये घर से नाश्ता आया है। हम लोग होटलों का खाना तो खाते नहीं, वो क्या है कि घर में भाभी पत्नी वगैरह सब मिल करके ये लोग खाना बना के भेजती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपना खाना खुद ही रास्ते में निकाल के खाते हैं। हाँ, क्योंकि होटलों का खाना रास नहीं आता हम लोग को। अब ऐसा है दोस्तों कि अब आप भी मजे कर लीजिए, और हम भी थोड़ा सा वो देखिए ये देखिए ये किसान जितने अच्छा पौधा लगाते हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। ये किसान ही नहीं, अच्छे इंसान भी हैं। ये देखिए, ये इनको चिंता सता रही है कि हम अपने मेहमान को क्या खिलाएं। देखिए, पौधे में से चूहा हुआ आम ये लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये आम देख के आपका भी दिल पसीज गया होगा। तो दोस्तों, आप किसानों से
यदि अच्छा व्यवहार करेंगे, किसानों को सर आंखों पर रखें, यदि आपके मोहल्ले में कोई किसान आए आप उसको पानी के लिए ज़रूर पूछें। जैसे ये हमें आम के लिए पूछ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, इस बात को भी ध्यान रखें ताकि ये भाईचारा या प्रेम बना रहे। हम लोग खा रहे हैं, घर से रोटी आया है सत्तू भर के, भाभी और हमारी पत्नी विवाह दोनों ने भेजा है। अपने अभी भी घरों में ये परंपरा है कि जब घर से बाहर लोग निकलते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो टीका लगाते हैं और हाथ में कुछ दक्षिणा देते हैं। भाभी जब हम वहाँ से चलने लगे घर से तो भाभी ने हमें बोला, हालांकि हम लोग अलग अलग दोनों भाई रहते हैं, फिर भी वो परंपरा वो निभाते हुए भाभी ने आवाज़ दिया और बुलाया और कहा कि जा इधर आइए। फिर उन्होंने टीका लगाया और हाथ में कुछ दक्षिणा दिया, मैंने भी उनका चरण स्पर्श किया। ये है अपनी भारत की संस्कृति, ये है अपने भारत की संस्कृति, अच्छा लगता है। काम धाम तो अपने जगह पर है लेकिन इस संस्कृति को आगे की पीढ़ियों को बताना, ले चलना ये हम लोग का फर्ज बनता है। हम भी निभा रहे हैं, आप भी निभाइए, आगे भी बच्चों को बताइए। देख रहे हैं कि नमक लिए कि नहीं। अब देखिए ना, प्याज आया है, नमक तक डब्बा में पैक करके आया है, मसाला डाला हुआ नमक, अचार आया है, रोटी आया है, भुजिया आया है साथ में। ये तो हुआ भाभी का कटोरा खुला है, अभी मेरा पिटारा भी तो पैक है, लौटते समय खुलेगा। वो एक राज है कि उसमें क्या क्या है। माता जी का कहना है कि इस बार तो आम आया है, एक साल बीज करके आता है, इस साल आम आया है, अच्छा खासा भी आया है। तो इस बार इनका कहना है इस बार थोड़ा सा आया था, पिछले बार ठीक आया था। एक साल आजकल एक पर्यावरण का एक असर कही है, जो कही है, पहले हर साल आम आता था लेकिन इधर कुछ साल होते हैं एक साल बीज करके आम आता है, अगले साल आता है तो कम आता है या नहीं आता है। कितना काम आएगा ना शर्मा जी, समझिए कि कुछ ना कुछ तो आना ही है। कितना भी कम आएगा फिर भी इनका कहना है कि खाने भर तो आ ही जाता है, खाना भर आइए जाता है। कहने का मतलब कि आप चाहे पौधा कुछ भी हो आप लगाएं, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाना है, पौधा कभी आपको क्षति नहीं देगा ना। किसी हमने खुद ही पाया है कि घर पर कोई भी पौधा लगाते थे, यदि फूल का हमने लगाया हो तो एक ही फूल सही वो अपना अपना रंग दिखा देगा। यदि आपने नेनुआ कदुआ कुछ भी लगाया हो तो हम कई बार देखें कि बहुत ज़्यादा नहीं फला तो दो चार दस तो जरूर फल ही जाएगा। फरना ही है मतलब आप उसकी कुछ भी सेवा करें कुछ ना कुछ वरदान मिल ही जाता है। भरे ही शहर की जिंदगी आप जी रहे हो, आप गमले में लगाइए, बालकनी में लगाइए, छत पर लगाइए, बड़े गमले में लगाइए, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है।
पौधे से जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, मजे करिए। आप लोग भी गाड़ी का सफर किए हुए हैं तो देखते होंगे कि जितना पेड़ पौधा कट गया उस अनुसार से पेड़ बहुत उजड़ गया। भैया का कहना है कि अब तो बहुत सारा पौधा कट चुका है, कट चुका है हाँ, फिर भी लगाने वाले जो पौधा प्रेमी है हाँ, वो पौधा तो लगाते ही लगाते लगाते ही लगाए करेगा। जो जिनको पौधा लगाने का एक नशा होता है हाँ, वो एक नशे की तरह होता है, वो लगाएंगे ही लगाएंगे, लगाएगा है लगाएगा। कुछ हाँ, लोगों की प्रवृत्ति होती है हाँ, कि वो अपने लिए नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि पौधा लगा दिए चाहे जिसके भी काम आ जाए, है ना। हाँ सही बात है हाँ जी। हम लोग का जो भारतीय संस्कार है वो हम लोग के आदतों में झलकता है, हम लोग ये नहीं सोचते कि हम जो लगा रहे हैं वो कौन खाएगा। नहीं यार, अगला पीढ़ी खाएगा ना, जो मान लगे पिछला पीढ़ी आने वाला है वो भी खा सकता है, जैसे जैसा फल दे दिया वो इस हिसाब से खा रहा है वही ना बात है। क्या कह रहे हैं सूर्य जी, कह रहे हैं कौन लगाए कौन नहीं बताइए, जानते नहीं है क्योंकि हम लोग खा रहे हैं ना। सोचिए सुरेश जी का कहना है कि देखिए पौधा किसी और ने लगाया, फसल हम लोग खा रहे हैं ना, आखिर हम लोग भी लगाएंगे। हाँ हम लोग भी लगाएंगे तो हाँ जी सही बात है, लगाना चाहिए। रुका ये बतावा चाची, गाय पल्ले है हाँ, दो भैंस हो। अच्छा भैंस पल्ला हाँ, तो ये घास अपन खेत से जीते हैं। हाँ अपने खेत में दे जाना, ये सब अपने हो। अच्छा अपने हो, ये मूंग तोड़वाई थे रियो कमिया से ये रही है हुए रहा हुए ओने में मूंग बस ठीक है। देखिए पीछे जो खेत दिख रहा है ये चाची का है, और चाची का कहना है कि अपने ही खेत से घास निकाले हैं। ये सामने आप घास का बोझा देख सकते हैं, और चाची घर का खाना बर्तन देखते हुए इधर खेतीबाड़ी भी देख रही है, और यहाँ अभी आकर के अपने बगीचे पर ये घास वगैरह भी काट के अभी जानवर दो पाली हुई हैं उसके लिए घास ले जाएंगे। ये हुआ गांव का दिनचर्या। ये मत समझिए कि केवल शहर में हम ही लोग बहुत मेहनत करते हैं, सबका अलग अलग तरीका है काम करने का, गाँव का अलग तरीका है, शहर का अलग है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं सवेरे बैग लेके, यदि गांव की शहर की औरतें सोचती हैं कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने भारत में स्त्रियां आधा घर तो वही चलाती हैं, आधा घर तो वही चलाती हैं। स्त्रियां अपने आप में एक पाठशाला होती हैं, और वो अपने बच्चों के साथ साथ गांव परिवार पति सबको देख रेख करती हैं। हो गया चलिए दोस्तों, अब वीडियो ये यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।